क्या है? वो लोग आ गए। आ गए? आइए 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 आइए, धन्य भाग हमारे। देखा राम दयाल कितने पंक्चुअल लोग हैं। 4 बजे आने को कहा था, ठीक 4 बज रहे हैं। जो वक्त के पाबंद नहीं होते। सुना, उनसे आपके संबंध नहीं होते। ठीक कहा आपने। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अब भी आया। आओ बैठिए, आओ बैठो बैठो, आओ आओ बैठे बैठो। मैं लड़की का पिता हूँ, आप तो सूरत से पहचान गए होंगे। मुझे द्वारका प्रसाद कहते हैं, ये मेरी बड़ी बहू है। नमस्ते। मेरा बड़ा बेटा सुंदर किसी काम की वजह से आ नहीं सका, वैसे घर में इसी की चलती है। हमारी यहाँ स्त्रियों की ही ज्यादा चलती है। सॉरी पापा। सुंदर के बाद है चंदर, जिसके रिश्ते के लिए हम आए हैं। तो वो क्यों नहीं आए? वो इतने बेशरम थोड़ी है कि खुद लड़की देखने आते। क्यों पापा? माँ ने कहा था कि ये बात निकले तो यही जवाब देना। ठीक है ठीक है। यह इंदर, इसी साल इसने डॉक्टरी पास की और साथ में ये सबसे छोटा लड़का है। नमस्ते। नमस्ते। सुंदर, चंदर, इंदर के बाद बंदर नहीं जगदार। इनकी माताजी नहीं आई? वो दुमके की मीटिंग में गई हैं। दुमके का मतलब है दुखियारी महिला केंद्र। 9 बजे तक उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, उससे पहले हमें पहुंचना है। जरा लड़की को बुलवा दीजिए। उमाशंकर गए, अभी आती होगी। वाह 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 वाह, क्या सजावट है, बिल्कुल खादी भंडार में रखी हुई गुड़िया। और बहुत अच्छे। हाँ, लगता है अभी अजायब घर से निकल के आ रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, वो लोग पीछे देखते ही भाग जाएंगे। तैयार हो गई? चल बेटी चल। रामलाल जी, जरा देर हुई है, अगर जी अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। उमा शंकर, देर क्यों हो रही भाई, जल्दी करो, इन लोगों को जाना है पूना। बाप रे, इस तरह चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ये लोग। भाभी, अच्छा हुआ मम्मी नहीं आई, नहीं तो ये लड़की क्या पूरे खानदान को कैंसिल कर देती। चुप रहे, अभी आती है। अश्वी लाल, मिठाई लिया भाई, जरा मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं, पापा को मिठाई बिठाई बिल्कुल नहीं। क्यों? माँ ने मना किया है। बात यह, मुझे डायबिटीज की शिकायत है ना, इसलिए इसकी माँ। अरे मिठाई खाना मना है, मुंह मीठा करना थोड़ी मना है। हर बात पर मैं मैं मैं, माँ का जासूस। आओ बेटिया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आओ बैठो। वाह 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 वाह, इस जमाने में भी ये श्रृंगार, ये गहने, ये कपड़े। बेटी, तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जब शादी करके आई थी ना, बिल्कुल ऐसे ही सज के आई थी। है ना इंदर? मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था पिताजी। अरे मैं भला कब पैदा हुआ था उस वक्त, तुमने एल्बम में नहीं देखा? रामदयाल जी, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। बहू, कुछ पूछना तो पूछ लो। चलिए रामदयाल जी, आपका बागीचा देखे, मुझे फूल पौधों का बड़ा शौक है। आओ उमा शंकर, तुम भी आओ। आओ मेरे पास आओ। बैठो। अरे, इम्तिहान तो दीदी का है और पसीना आपको छूट रहा है। जी, वो क्या है कि आज जरा गर्मी है ना, तो इसमें लड़की का क्या कसूर? ये मैंने कब कहा? अरे जो कुछ पूछना है पूछ लो ना इनसे। तुम ही पूछ लो ना भाभी। मुझे जो कुछ पूछना था उसका जवाब मिल गया है, अब तुम पूछ लो। आपका शुभ नाम? आप तो बहुत जोर से हंसती हैं। माफ कीजिए, हमें मुंह दबा के हंसना नहीं आता। और फिर आपके सवाल ने मुझे एक बात याद दिला दी। क्या बात है, जरा हम भी सुने। हाँ हाँ, मेरी एक सहेली रमोदा, उसकी शादी हुई। सुहागरात में दूल्हा बाबू को यही नहीं सूझ रहा था कि बात शुरू कैसे करें, तो उन्होंने कहा, रमोदा तुम्हारा नाम क्या है? चुप रहे, स्टेल जोक। खैर, मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा का छोटा भाई हूँ। ओह, तो दूल्हा बाबू कहाँ है? वो नहीं आए। क्यों?
हम भी जरा देख लेते उन्हें। हमें देख लीजिए, पूरा धान देखने की क्या जरूरत है। वैसे वो भी हम जैसे ही हैं, ऐसे ही कदकाठी, ऐसा ही रंग, ऐसे ही देखने में। बातें भी आपकी तरह करते हैं जी, मुझसे भी मीठा बोलते हैं। बोलना ही उनका पेशा है ना, वकील जो ठहरे। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी ये। ओफो, मेहरबानी करके जरा इन्हें भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ भाई तुम ही बोलो, नहीं तो हमारे देवर जी समझेंगे कि तुम गुंगी हो। जी मैंने संस्कृत में एमए किया है। अरे बाप रे, एमए? वो भी संस्कृत में? अरे भैया तुम तो एक बार संस्कृत में गड्ढा खा गए थे ना। सब मुंह मीठा कीजिए, रिश्ता पक्का। मुझे किसने कहा अशरफी? किसने भी कहा हो, खाइए बर्फी। ये लो। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज। वेरी मच। लीजिए साहब आइसक्रीम लीजिए। जी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा तो शौक फरमाइए। नहीं सच मुझे अच्छी नहीं लगती। जी तो चाह रहा आपका, आपकी बात सच्ची नहीं लगती। अच्छा आपने कैसे जाना? अजी साहब हमने भी देखा है जमाना। अशरफी लाल जी साहब, उधर सब मेहमान खड़े हैं। हाँ। और आप यहाँ काफिया में पड़े हैं। जाइए सबको आइसक्रीम खिलाइए। अच्छी बात है। एक मिनट। हाँ। जाइए खाइए। लीजिए आपको दो खानी पड़ेगी। दो? आप दूल्हे के भाई है ना। वो तो ठीक है लेकिन आपने हाथ क्यों लगा दिया? प्रेम में रहने दिया होता मैं अपने आप ले लेता। क्यों, क्या मैं अछूत हूँ? अछूत नहीं, अछूती हैं आप। देखिए ना आपके हाथ लगाने से आइसक्रीम पिघल गई होगी। वो कैसे? बात यह है कि आपका मिजाज गर्म है ना, एक मिनट में घुलकर पानी हो गई होगी। तो आप हाथ में लेकर के रखिए ना, दो मिनट में फिर जम जाएगी। आप तो काफी ठंडे हैं। पिघल के फिर जमी हुई आइसक्रीम खाने में मजा नहीं आता। काफी नॉलेज है आपको आइसक्रीम के बारे में। बात यह है कि मेरे दोस्त की आइसक्रीम की फैक्ट्री है। जी हाँ। और ये उसमें पार्टनर है। अच्छा अच्छा, तो आप आइसक्रीम भी बेचते हैं? जी हाँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप डॉक्टर हैं। क्यों, डॉक्टरी में आमदनी नहीं होती है क्या? खास कुछ नहीं, अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू किया ना। समझी समझी, तो इसीलिए आपने आइसक्रीम का धंधा शुरू कर दिया है। सबको सड़ी आइसक्रीम खिलाते हैं ताकि खाने वाला जब बीमार पड़े तो इलाज के लिए फिर आप ही के पास आए। अरे वाह वाह, क्या हाजिर जवाबी। मैंने कहा था ना कितनी ग्रेट है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी दीदी भी इतनी ही ग्रेट है? जी हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो भी आप जैसी हैं तो मुझे मेरे भैया के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे सुनिए आइसक्रीम तो देते जाइए। यार तूने फालतू बेचारे को परेशान कर दिया। क्यों ना करूं, मेरे भैया की साली जो है, मेरा भी तो हक बनता मजाक करने का। भैया की साली यानी आधे घर वाली। वाह वाह, तेरा भी जवाब नहीं। आजकल इतने उदास क्यों रहते हो भाई? अरे कादर मैं क्या बताऊं भाई, अंजू बिटिया चले जाने से जिंदगानी का तू ही चला गया। आज 6 महीना हो गए कुकड़ को बोले हुए। क्या हुआ बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दादी। कुछ तो जरूर होगा, ऐसे चुपचाप तो कभी नहीं रहती। दादी, दीदी के बिना जीने की आदत क्यों नहीं पड़ती? एक ही दिन में हरी भजी क्यों नहीं सड़ती? चलिए चलिए सरसों की तूप बनाइए और जुबान हिलाइए। अशरफी बोर मत कर। साहब शायरी के बिना इस घर में मुझसे काम नहीं होगा। सुना, ये कह रहा आप यहाँ काम नहीं करूंगा? हाँ, चूल्हे से गागर नहीं मारूंगा। अरे कुछ तो बताइए, अगर ये मुश्किल है तो कोई आसान काफिया बताओ। अशरफी लाल तुम क्यों नहीं समझते, दीदी के बिना काफिया नहीं बनता। ये तो सोचो बेटा, हम यहाँ 3 हैं और जीना मुश्किल हो गया है, वहां तो बेचारी अंजू अकेली है। सब सुनिए, आप लोग हुआई अंजू बेटिया की घर, बेटी बिस्तर उठाने के लिए हम भी चले चलेंगे। हाँ हाँ चलिए ना दादी। नहीं बेटा मैं कैसे जा सकता हूँ, तू चली जा। नहीं
आपको अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, और फिर अशरफी लाल तो है ही, हम दोनों तुक भिड़ाते रहेंगे, क्यों अशरफी लाल? हाँ साहब, मेरा भी है यही ख्याल। ठीक है, तो फिर ऐसा करती हूँ, कोई खबर दिया बगैर ही पहुँच जाती हूँ, देखते ही उछल पड़ेगी दीदी। हाँ वाह कबीनाथ जी, सामने आओ, ये लो 10 रुपए इनाम। आज पहली बार मुझे पराठे का मजा आ गया। पिताजी, तब तो ये इनाम अंजू को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पराठे अंजू ने बनाए हैं। वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। हाँ चलो बाबू, रोज ऐसे पराठे बनाओ, रोज तुम्हें ऐसे इनाम मिलेंगे। आज तो पराठे का मजा आ गया। उमा शंकर आया हुआ। ये अचानक उमा चाचा की आवाज को क्या हो गया? मंजू आई है। बहू बैठो। गुड मॉर्निंग प्रणाम आंटी जी। जीती रहो। मगर ऐसे कैसे आ गई? खत नहीं, खबर नहीं। मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? आपने तो हम सबको शौक दिया है। अच्छा, आपको शौक भी लगता है? खैर, बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। प्लेट ले लो बेटी, आराम से बैठ के खाओ, पराठा कहीं भाग नहीं जाएगा। इतना सबर नहीं कर सकती आंटी जी। हाथ तो धो लेती। मुंह धुला हुआ है। बहू, बहन को ऊपर ले जाओ। जी। मैं नाश्ता ऊपर ही भिजवा देती हूँ। मेरे ख्याल यही ठीक रहेगा। पहले ये बताओ बेटी, रामदयाल जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप सबको प्यार भेजा है। सॉरी हाँ, मेरे हाथ झूठे हैं ना, इसलिए प्रणाम बाद में कर लूंगी, आशीर्वाद अभी दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा सामान कहाँ है? टैक्सी में। इंदर, तू जाके टैक्सी से सामान उतरवा ले। और सुनिए प्लीज, उसी तरह चेंज भी ले लीजिएगा, वैसे मैंने 20 रुपए का नोट दे दिया है। चल अंजू। एक मिनट आंटी जी, प्लेट में आधा टुकड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? चलो चलो। इसे भी तूने अपने डैडी का घर समझ रखा है, पैर रखते ही धमा चुकड़ी मचा दी। अरे तो क्या हुआ? यहाँ का रहन सहन वहाँ से अलग है, उठने बैठने के, खाने पीने के, हंसने बोलने के अलग कायदे हैं। हैं? हंसने बोलने के लिए भी कोई कायदा मना पड़ता है क्या? हाँ भाई, आहिस्ता बोलते हैं, कम बोलते हैं, और जरूरत ना हो तो नहीं बोलते। अरे बाप रे, ऐसे तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ, बिल्कुल मिलिट्री रूल लगता है भाई। दीदी तू यहाँ जी कैसे रही? जब प्यार मिलता है ना तो कोई भी बंधन बुरा नहीं लगता। तेरे जीजा जी इतने अच्छे हैं कि पूछ मत। लीजिए, संभालिए इन पहाड़ के टुकड़ों को। बहुत भारी है क्या? भारी? पता नहीं क्या ईंट पत्थर भरे हुए हैं, दो कुलियों का बोझ है। ये लीजिए चेंज। रख लीजिए। क्यों? अरे दो कुलियों का बोझ उठाकर लाए हैं, मजदूरी समझ के रख लीजिए। मंजू, आते ही मजाक शुरू कर दिया। नहीं दीदी, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ, कमाल है। देख मंजू, मैं प्लीज भाभी। थैंक यू मैम साहब। दैट्स ओके। ये कोई ढंग है बात करने का? अरे दीदी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुरी आंख वालों का कभी भरोसे नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि तेरी शादी में अपने सब दोस्तों के सामने इन्होंने मेरा कैसे मजाक उड़ाया था। इन हजरत का तो मैं ठीक करके ही जाऊंगी।